हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए सॉलिड स्टेट की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। इस संकुलन के अंतर्गत, इस जो निबिड़ संकुलन के अंतर्गत जो क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल्स के अंतर्गत सॉलिड में, उसमें अपन एकविमीय, द्विविमीय और अंत में जाकर के एवं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का या त्रिविमीय क्रिस्टल जालकों का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ठोसों में जो निबिड़ संकुलन होता है उसमें अवयवी जो कण होते हैं किसी ठोस पदार्थ में या क्रिस्टल जालक के अंतर्गत, वो अवयवी कण परस्पर अवयवीकरणों के अंतर्गत अणु, परमाणु और आयन हुआ करते हैं, ठीक है ना, जिन्हें अपन गोलों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इस अवयवी कण जो हुआ करते हैं ठोसों के अंतर्गत, वो परस्पर संपर्क में या निकटतम दूरी पर स्थित रहते हैं। इस निकटतम दूरी पर स्थित जो रहते हैं अवयवी कण, इसी को अपन क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी क्रिस्टल के अंतर्गत जो निबिड़ संकुलन होता है, निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था होती है जिसमें अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल के अंतर्गत अधिकतम भाग धारित या घिरा हुआ होता है और रिक्त भाग न्यूनतम होता है। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आइए ठोसों में निबिड़ संकुलन की कैसे परिभाषित करते हैं। तो निबिड़ संकुलन, वह व्यवस्था होती है जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण या अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल का अधिकतम भाग धारित या ऐसे कहते हैं घिरा रहता है, धारित रहता है, ठीक है ना, धारित रहता है और रिक्त स्थान कैसा होता है भैया, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। इसे निबिड़ संकुलन कहते हैं, कहते, ठीक है ना। इस निबिड़ संकुलन के अंतर्गत अवयवी कण या गोले जो होते हैं अणु, परमाणु और आयन परस्पर कैसे रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अणु, परमाणु या क्या बोलते हैं भैया अपन, आयन, अवयवी कण परस्पर निकटतम दूरी पर रहते हुए परस्पर संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार के ठोस क्रिस्टलों का स्थायित्व,
भी अधिक होता है। ठीक है ना, स्थायित्व भी कैसा होता भैया, अधिक होता है ठोस पदार्थ का, ठोस क्रिस्टल जालक का। अब इन क्रिस्टल जालकों के अंतर्गत जो निविड़ संकुलन हुआ करता है, उस निविड़ संकुलन को अलग अलग या घनीय एक जो क्रिस्टल जालक होते हैं आपके, उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, तो इन निविड़ संकुलनों को तीन भागों में विभाजित करके अपन क्या है, संकुलनों का या क्रिस्टल जालकों का निर्माण करते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, उपस्थित अवयवी कण या उपस्थित एक अवयवी कण, अपने निकटतम कितने अन्य कणों या गोले, अन्य कणों के संपर्क में रहता है वह उस कण की समन्वयी संख्या, या ऐसे क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसको अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक के अंतर्गत एक अवयवी कण अपने कितने अन्य गोलों के संपर्क में उपस्थित है, वह उसकी क्या कहलाती है भैया, समन्वयी संख्या कहलाती है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, अर्थात किसी क्रिस्टल जालक की या किसी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण जितने अन्य कणों के संपर्क में रहता है, वह उस क्रिस्टल जालक की समन्वयी संख्या, या ऐसे क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक के अंतर्गत एक अवयवी कण या गोला दो गोलों के संपर्क में है, तो उस क्रिस्टल जालक की समन्वय संख्या कितनी होगी भैया, दो होगी। और यदि कोई गोला या अवयवी कण, एक अवयवी कण किसी अन्य 6 अथवा 12 अवयवी कणों के संपर्क में होता है, तो उस क्रिस्टल जालक की समन्वय संख्या क्रमशः 6 और 12 होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे चल करके कि किसी क्रिस्टल जालक का जो निर्माण कर रहे थे अपन, वो तीन भागों में डिवाइड करके अपन इसको पढ़ेंगे, समन्वय संख्या को या निविड़ संकुलन को, एकविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो पहले बात करते हैं नंबर 1, एकविमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय जो निविड़ संकुलन होता है, वन डायमेंशनल जो आपका क्लोज पैकिंग होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि अवयवी कणों को एक सरल या सीधी रेखा में
परस्पर संपर्क में रखते हुए व्यवस्थित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से बनी हुई संरचना को क्या बोला जाता है भैया, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यदि अभी अभी कणों को एक सीधी रेखा में परस्पर संपर्क में रखते हुए परस्पर संपर्क में रखते हुए व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि जो अभी कण है उसे अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे भैया, गोले के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से यदि अभी कण या गोले जो आपके हैं उनका आकार समान रखते हुए यदि एक सीधी दिशा में सीधी रेखा में अभी कणों को परस्पर संपर्क में रखते हुए व्यवस्थित करते चले जाएं तो ये क्या बन जाता है भैया आपका, एक विमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ठीक है, इस तरह से अपन क्या है, वन डायमेंशनल यदि क्रिस्टल ज्यादा का निर्माण करना है तो इनको एक सरल या सीधी रेखा में अभी कण या गोलों को परस्पर संपर्क में रखते हुए व्यवस्थित करते चले जाइए। तो इस प्रकार के जो व्यवस्था है या इस प्रकार के जो अभिकरण हैं वो एक समान होते हैं, जिन्हें अपन ए ए ए पैटर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस क्रिस्टल का एक विमीय निबिड़ संकुलन के जो क्रिस्टल्स होंगे उनकी जो पैटर्न जो हो गई, जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, ए ए ए के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और इसमें एक अभिकरण को यदि देखा जाए कहीं से भी अपन देख देते हैं किनारे वालों को छोड़ने के बाद, तो एक अभिकरण जो आपका है जैसे ही इसको मान लिया अपन ने, वो दो अन्य अभिकरण या गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए ये इसकी क्या होगी भैया, समन्वय संख्या कहलाएगी। ये भी कण ए है, ये कितने गोलों के संपर्क में है भैया, दो अन्य गोलों के संपर्क में है इस तरह से। तो इस प्रकार से एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो समन्वय संख्या या उपसहिष्णु संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, दो होती है। तो इस प्रकार की, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन की व्यवस्था या ऐसे क्या बोलते हैं, पैटर्न ए ए ए ए होती है और एक कण या गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कितनी होगी भैया, दो होती है। कितनी होती है समन्वय संख्या, दो होती है, ठीक है। नंबर दूसरा है आपका, द्विविमीय निबिड़ संकुलन।
द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन हुआ करते हैं उनका निर्माण एक विमीय निबिड़ संकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? एक विमीय निबिड़ संकुलन के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि एक विमीय निबिड़ संकुलन में उपस्थित जो गोले अभिकर्ण होते हैं उनको परस्पर एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उससे क्या बनते हैं आपके भैया? द्विविमीय निबिड़ संकुलनों का निर्माण होता है। तो क्या होगा भैया? इस प्रकार के निबिड़ संकुलन का निर्माण, निबिड़ संकुलन का निर्माण एक विमीय निबिड़ संकुलन के द्वारा होता है जिसमें उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में भैया? दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें नंबर पहला है भैया आपका वर्ग निबिड़, या इसको कह देते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, इसके अंतर्गत क्या होता है भैया कि एक विमीय जो निबिड़ संकुलन के अवयवी कण होते हैं उसकी एक परत को दूसरी परत के ठीक ऊपर, या ऐसे कहना चाहें कि दूसरी जो परत होगी उस परत के गोलों को पहली परत के गोलों के ठीक नीचे अथवा ऊपर व्यवस्थित किया जाए या संरेखण में रखा जाए तो उससे क्या बनता है भैया? एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा भैया? यदि एक विमीय निबिड़ संकुलन के गोलों की पहली परत के ठीक नीचे दूसरी परत के गोलों को इस प्रकार से रखते हैं कि उनके केंद्र परस्पर कहाँ रहे भैया? संरेखण में रहे। संरेखण से तात्पर्य क्या है? एक गोले की जो परत है पहली परत उसके नीचे दूसरा गोला ठीक नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरी परत का जो गोला है उसके ठीक नीचे तीसरी परत का गोला होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी परत के गोलों के ठीक नीचे तीसरी परत के
गोले उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से पहली परत के गोले और दूसरी परत के गोले कैसे होते हैं? समान। और तीसरी परत के गोले भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो इनकी जो व्यवस्था होगी, इनका जो पैटर्न होगा, वो कैसा होगा? ए ए ए के रूप में होता है। इस प्रकार से इसका पैटर्न या व्यवस्था, इसका पैटर्न या इसको क्या कहते हैं? व्यवस्था। ए ए ए ए प्रकार की प्राप्त होती है। ठीक भैया, तो इसके अंतर्गत कैसे होगा? देखिएगा इसकी संरचना, देखिए ये हो गया आपका एक मेय निविड़ संकरण के गोलों की पहली परत। इस तरह से व्यवस्थित करें गोलों को, इस तरह से। अब जो पहली परत है, उस पहली परत के नीचे दूसरी परत के गोले कैसे रहने चाहिए भैया? ठीक संरेखण में इस तरह से रहने चाहिए। ये पहली परत के गोलों के ठीक नीचे कौन आ रहा भैया? दूसरी परत के गोले उपस्थित होने चाहिए। इस तरह से इसे बोलते हैं संरेखण, कि पहली परत का गोले के नीचे दूसरी परत का गोला ठीक नीचे हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इसका संरेखण। यानी इनके केंद्र बिंदु कैसे होंगे भैया? आपके ठीक नीचे समान रूप से आते हैं। इस तरह से इनको क्या कर दें अपन? व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इनको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बन गया भैया आपका द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अब इस क्रिस्टल जालक के अंतर्गत यदि अपन देखते हैं कि एक अभी भी जो कण या गोला है वो अपने निकटतम कितने गोलों के संपर्क में है, इस परत के गोले को भी ए कहेंगे, ये भी ए, ये भी परत ए ए हो गई, इसलिए इसको कहते हैं पैटर्न या व्यवस्था ए ए ए हो गई। अब जो एक गोला है वो अपने निकटतम कितने गोलों के संपर्क में है भैया? चार गोलों के संपर्क में है। ये जो गोला देखते हैं अपन, वो गोला कितने भैया? एक तो इस गोले के संपर्क में है, एक इसके संपर्क में है, एक इसके संपर्क में, और एक इसके संपर्क में है। यहाँ अपन देखते हैं यदि इन गोलों के सेंटर बिंदुओं को मिलाया जाए तो एक क्या बनता है? वर्ग का निर्माण होता है। इस तरह से इसलिए इसको बोला जाता है भैया द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है ना, इस व्यवस्था में एक अवयवी कण अपने अन्य चार गोलों के संपर्क में रहता है, जिनके केंद्रों को परस्पर मिलाने पर
वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इसे वर्ग निविड संकुलन कहते हैं, जिसकी समन्वय संख्या कितनी है भैया? 4 होती है। समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 4 होती है। ठीक है, ये हो गया आपका द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन। दूसरी प्रकार की जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत वो होती है भैया आपके, या दूसरे प्रकार का जो अब द्विविमीय निविड संकुलन बनता है उसका नाम होता है षटकोणीय निविड संकुलन। षटकोणीय या द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन इसके अंतर्गत क्या होगा भैया कि जो एकविमीय निविड संकुलन की जो परतें होती हैं उसके अंतर्गत पहली परत के गोलों के गर्त में यदि दूसरी परत के गोलों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो पहली परत के गोले और दूसरी परत के गोले ठीक संरेखण में नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी परत के गर्त के अंतर्गत तीसरी परत के गोलों को रख दिया जाए तो पहली परत के गोले और तीसरी परत के गोले ठीक संरेखण में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को या व्यवस्था को रख दिया जाए तो इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, एक षटकोणीय निविड संकुलन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के संकुलन में जब एक विमीय निविड संकुलन की पहली परत के गोलों के गर्त में, गर्त का मतलब अवनमक, गर्त या खांच, गर्त में दूसरी परत के गोलों को रख दिया जाए तो पहली एवं दूसरी परत के गोलों गोले संरेखण में नहीं होते हैं, लेकिन तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के गोलों के गर्त में रखते हैं तो पहली एवं तीसरी परत के गोले संरेखण में होते हैं। इस प्रकार से पहली एवं तीसरी परत समान
प्रकार की, इसे क्या बता सकते हैं, ए प्रकार की एवं दूसरी परत भिन्न प्रकार की, इसको क्या कहते हैं भैया, बी भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए इसकी व्यवस्था कैसी बनेगी भैया, ए बी ए बी ए बी, इस तरह की वन प्राप्त होती है। देखिए डायग्राम बना करके इसका, ये हो गई भैया आप लोगों के पहली परत ए की बिम्बीय की, इस तरह से। अब एक बिम्बीय परत जो है उसका जो गर्त है, उसकी जो खांच है, उसका जो अवनमक है, उस अवनमक के अंतर्गत क्या ये अवनमक कहलाता है, इस अवनमक के गर्त में दूसरी परत का गोला इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। तो ये क्या होगा भैया, पहली परत के जो गोले हैं वो दूसरी परत के गोलों के ठीक नीचे या संरेखण में नहीं होते हैं, लेकिन यदि तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के गोलों के गर्त में व्यवस्थित किया जाए तो पहली और तीसरी परत के गोले परस्पर संरेखण में उपस्थित होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ऐसे ये चौथी परत हो गई आपकी, चौथी परत के गोले कहाँ पहुँचेंगे, दूसरी परत के संरेखण में पहुँच जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से यदि अपन व्यवस्थित करें तो इसके अंतर्गत यदि अपन देखें कि एक जो गोला होगा आप लोगों का, एक जो गोला होगा वो भैया अन्य छह गोलों के संपर्क में रहता है, जैसे ये गोला है, इसको ए पैटर्न, ये भिन्न प्रकार का है, इसको बी, लेकिन तीसरी परत का गोला पहली परत के गोले के संरेखण में, इसलिए ए बी और ए होती है इसको। तो ये गोला है आपका इस तरह से, ये गोला कितने के संपर्क में है, एक इसके, इसके, इस वाले के, इनके केंद्र बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोण का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोला जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनती है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अपन आगे चलते हैं, पैटर्न है, व्यवस्था कैसी है, ए बी ए बी ए बी प्रकार की हो गई। यदि इस व्यवस्था में एक गोला, इस व्यवस्था में एक गोला अपने निकटतम अन्य छह गोलों के संपर्क में रहता है, छह गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी भैया, छह होती है, और यदि इन छह गोले गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिलाया जाए तो एक षटकोण बनता है, इसलिए इसे
षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है भैया, समन्वय संख्या कितनी हुई इसकी? 6। और 6 गोलों को संपर्क को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बना? एक षटकोण प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना, ये हो गए आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार के। एक को कहते हैं वर्ग निबिड़ या वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्ग की ये, और दूसरा होता है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। आगे चलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का जो निर्माण होता है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के द्वारा होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन के गोलों को परस्पर एक दूसरे परतों के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो अपने क्रिस्टल जालक हैं वो त्रिविमीय प्रकार के ही होते हैं, इसलिए ये जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किस तरह हुआ भैया? द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को परस्पर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके जो संरचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है ना, तो यदि द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को परस्पर व्यवस्थित किया जाए तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है, निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है और क्रिस्टल जालक को मुख्यतया त्रिविमीय प्रकार के ही होते हैं, त्रिविमीय प्रकार के ही होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है वो दो प्रकार का होता है, इसलिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलनों का निर्माण भी अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, इसलिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलन निम्न दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिसमें नंबर पहला होता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण पहला है। इसके अंतर्गत द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से
करीब में है। निबिड़ संकुलन, और इससे क्या बनता है भैया, आद्य घनीय निबिड़ संकुलन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, ठीक है ना। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। इसके अंतर्गत अपन क्या कह रहे थे कि यदि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की पहली परत के गोलों को गोलों के ऊपर दूसरी परत के गोलों को ठीक इस प्रकार से रखा जाए कि तल के ऊपर की ओर और तल के नीचे की ओर दोनों की व्यवस्थाएं कैसी हो, समान हो, या संरेखण कैसा हो, समान हो। यदि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के गोलों की पहली परत के ऊपर एवं नीचे दूसरी द्विविमीय वर्ग निबिड़ के गोलों को रखा जाए तो तल के नीचे एवं ऊपर की ओर गोलों की व्यवस्था या संरेखण समान प्राप्त होता है तो इसके फलस्वरूप एक सरल या आद्य घनीय क्रिस्टल का निर्माण होता है। इस तरह से जैसे एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, ये आपके वर्ग निबिड़ संकुलन की पहली परत है, ये इस तरह से इनको कहाँ रखें, एक दूसरे के ठीक संरेखण में नीचे रखें, इस तरह से रख दिया, ठीक है ना। अब जो दूसरी परत आएगी इसके ऊपर और नीचे, वो भैया कहाँ है, ठीक संरेखण होने, इसके तल ऊपर की और तल नीचे की और दोनों एक जैसे संरेखण में होने चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस तरह से ये इसकी दूसरी परत जो आ रही है वो ठीक संरेखण में होनी चाहिए। इस परत के नीचे गोला कहाँ रहेगा, ये गोला इसका यहाँ रहेगा, ठीक है। और इसके ये इसके परत के गोले में कहाँ रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से गोले रहने चाहिए संरेखण में। तो इसके ऊपर ये गोला कहाँ रहेगा, इस तरह से ये गोला संरेखण में रहेगा। इस तरह से अपन ने गोलों को व्यवस्थित किया है आगे चल करके, तो इसके ऊपर भी कहाँ जाएगा। अब इन गोलों को आमने सामने वाले सामने परत जो जो आपकी वर्ग है उसको तो इस तरह से अपन ने मिला दिया, इस तरह से संरेखण। अब जो दूसरी परत है आपकी वर्ग निबिड़ की द्विम की दूसरी परत के जो गोले हैं वो ये रहे भैया आपके, इस तरह से। इन परतों के गोलों को आप लोग कैसे मिलाएंगे, यहाँ से इसको इस तरह से मिलाया जाएगा,
ये इस तरह से आपके ये गोलाकार रहेगा, इसके पीछे की ओर रहेगा यहाँ पर, तो इस गोले की जो पीछे की जो परत होगी उसको अपन डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं और इनको अपन इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका क्या भैया, इस तरह से। ये एक सरल घन का निर्माण हो जाता है। कैसे बन गया इस तरह से, किस तरह से बनाया, ध्यान दीजिए। सरल घन ये आपके सामने वाले वर्ग निविड़ संकुलन की परत, अब इसके ऊपर दूसरी परत जो आई है वो गोले ये रहे आपके इस तरह से, ये आपका इस तरह से गोला है। इनको मैंने इस तरह से व्यवस्थित किया है, ध्यान दें। ये इसके जस्ट कोने मिल गए यहाँ से, परस्पर संपर्क में है, और ये इस तरह से इसका गोला इस तरह से बनाया। इसको कहते हैं सरल या आद्ध। घनीय क्रिस्टल, ठीक है ना। तो इसमें सरल घन क्रिस्टल का निर्माण होता है और इसकी व्यवस्था या पैटर्न कैसा होगा, सब एक जैसे गोले हैं, ए ए ए ए टाइप की रहती है, होती है, ठीक है भैया, इस तरह से। तथा इसकी समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या कितनी है भैया, 6 होती है। ये हो गया भैया आप लोगों का द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन से त्रिविमीय आद्धघनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब जो अगला है दूसरे प्रकार का षटकोणीय निविड संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन से त्रिविमीय निविड संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन से क्या बना रहे हैं भैया अपन, त्रिविमीय निविड संकुलन या क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। षटकोणीय निविड संकुलन के अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत पहली परत के जो गोले होते हैं उन परतों के गोलों के गर्त में दूसरी परत के गोले व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो षटकोणीय निविड संकुलन बनता है उसके अंतर्गत जो क्रिस्टल जालक हैं, त्रिविम क्रिस्टल जालक हैं, उनकी व्यवस्था कई प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। यानी इसके द्वारा भी आपके षटकोणीय निविड संकुलन से त्रिविमीय जो क्रिस्टल जालक बनते हैं वो दो प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है आप लोगों को भैया, इस प्रकार के निविड संकुलन से त्रिविमीय क्रिस्टल निम्न दो प्रकार से या दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे भैया, सबसे पहले बात करते हैं इसकी व्यवस्था का, डायग्राम का। तो इसके अंतर्गत डायग्राम जो होता है वो थोड़ा जटिल होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत अवयवी जो कण हुआ करते हैं
वो अवयवी कण परस्पर क्रिस्टल जालक के भाग को अधिकतम धारित किए होते हैं, घेरे रहते हैं, जिसके कारण इनकी जो संकुलन क्षमता बनती है या दक्षता बनती है वो अधिकतम होती है। कहाँ भैया? गर्त में। तो ये इनका क्या बना दिया अपन ने? गर्त बना दिया इस तरह से। ये इसका क्या बन जाएगा भैया? गर्त बन जाएगा इस तरह से। ये बन गई आपकी षटकोणीय निविड़ संकुलन की पहली परत बनने जा रही है। तीसरे गोले कहाँ आएंगे भैया? दूसरी परत के गोलों के ठीक गर्त में व्यवस्थित रहते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पहली परत और तीसरी परत के गोले कहाँ रहेंगे? परस्पर संरेखण में प्राप्त होते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये बन गई आपकी पहली परत षटकोणीय निविड़ संकुलन की। अब जरा देखिएगा, अब इसके ऊपर षटकोणीय निविड़ संकुलन की जो दूसरी परत आने वाली है वो चीज देखनी है अपने को। अब यहां पर षटकोणीय निविड़ संकुलन की जो दूसरी परत आएगी वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि ये जो परत है उसमें क्या होगा भैया? इन गोलों के यानी तीन गोलों के जो त्रिकोण हैं उन गोलों को परस्पर क्या है ये संपर्क में इस तरह से रखता है, इस तरह से। ये आ गई आपकी दूसरी परत आ रही है, ध्यान दीजिएगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन की दूसरी परत के गोले इस तरह से, इस तरह से। ध्यान से देखना क्योंकि इसमें जटिलता उत्पन्न हो रही है इस तरह से। ये दूसरी परत है षटकोणीय निविड़ संकुलन की, जिसके कारण इसमें जो तीन गोले हैं उन तीन गोलों को पूर्णतया, चौथा जो गोला है दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलन की परत का, वो पूर्णतया ढके हुए हैं। अब इसके गर्त में यदि ये गोला आएगा तो ध्यान दीजिए, ये गोला भैया आप लोगों का इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की परतों का निर्माण करेगा इस तरह से। अब यहाँ ये जो देख रहे हैं ये तो क्या बन गई? एक रिक्ति बन गई, रिक्त का बन गई आपकी, जिसे अपन टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा भैया? टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। ये पहली परत जो है वो टी के रूप में प्रदर्शित होगी इस तरह से। लेकिन ये जो देख रहे हैं वो कौन सा होगा? ओ, ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलकीय छह गोलों परस्पर कैसे रहेंगे? संपर्क में रहते हैं इस तरह से। ये छह गोले परस्पर क्या है? संपर्क में रहते हैं इस तरह से। तो यहां भी क्या आएगा भैया? ओ। इसी तरह से यहां पर भी क्या होंगे? छह गोले परस्पर संपर्क में बनते हैं इस तरह से। ये भी क्या हो गया? ओ। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? टी। जब चतुष्फल के रिक्तियों की दो परतें होती हैं तो उसके बाद अष्टफल की रिक्ति की परत का क्या होता है भैया? पुनरावृत्ति होती है इसमें। यहाँ अपन यदि देखेंगे तो ये भी क्या बन गई? टी। ये क्या है? टी। ये क्या है? टी। आगे चल करके यहाँ भी क्या आएगी आपकी? टी। लेकिन
यहाँ जब आप लोग देखेंगे तो ये क्या बन गई भैया आप लोगों की अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हुआ। ओ यहाँ क्या हुआ अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो जाता है। ओ इस तरह से ये इस तरह से बनती है अष्टफलकीय रिक्ति। ये क्या होगी टी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति के बाद दो चतुष्फलकीय जब रिक्तियां आ जाती हैं तब क्या बनती है अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो अष्टफलकीय रिक्ति है उस अष्टफलकीय रिक्ति को मैं क्या कर देता हूँ गहरा बना देते हैं इस तरह से ताकि डायग्राम में अपने को दिखाई दे जाए। ये अष्टफलकीय रिक्ति है ये अष्टफलकीय रिक्ति है ये अष्टफलकीय रिक्ति है इधर ये अष्टफलकीय रिक्ति है। दो चतुष्फलकीय रिक्तियों की जब होगा उसके बाद अष्टफलकीय रिक्ति की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ देख रहे हैं ये चतुष्फलक चतुष्फलक दो परतें हैं चतुष्फलक इस तरह से तो इनके बीच में ये अष्टफलक और ये अष्टफलक की रिक्ति होती है। ठीक है ना। यहाँ भी क्या आएगी आपकी अष्टफलकीय रिक्ति आएगी इस तरह से आगे जब डायग्राम बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है एक तो होती है चतुष्फलकीय रिक्ति और एक होती है अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है भैया। तो चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने से अलग प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक है। और अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने से एक अन्य प्रकार का क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो इन रिक्तियों को ढकने से परस्पर दो प्रकार के क्रिस्टल्स का निर्माण या त्रिविमीय संरचनाओं का संकुलन का निर्माण होता है। इस प्रकार के त्रिविमीय क्रिस्टल जालकों का निर्माण जालकों के निर्माण में दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है जिन्हें पहली रिक्ति कौन सी है चतुष फलकीय टेट्राहेड्रल टी से प्रदर्श करेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति और एक बनती है भैया आपकी अष्टफलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति जिसे अपन ऑक्टाहेड्रल ओ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से त्रिविमीय क्रिस्टल निम्न दो प्रकार से प्राप्त होते हैं एक को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की ढकने से और एक अष्टफलकीय रिक्ति के ढकने से। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है उसके अंतर्गत अलग से दिखा देते हैं डायग्राम आप लोगों को। तो ये जब देख रहे हैं आप लोग भैया ये एक अवयवी गोला और ये आपका दूसरा गर्त में इसका अवयवी गोला इन तीन अवयवी कणों को जो चौथा गोला है जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसको ये क्या है पूर्णतया ढक लेता है इस तरह से इसको पूर्णतया क्या करता है ढक लेता है।
अब इनको पूर्णतः ढकने से क्या है, इनको परस्पर सेंटरों को आपस में मिलाया जाए तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति या रिक्तिका। और अष्टफलकीय कैसे बनती है भैया? अष्टफलक के अंतर्गत देखिएगा, ये आप लोगों का दो गोले और ये इसकी गर्त में तीसरा गोला, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक गोला इसके यहाँ अवनमक में दूसरी परत का, एक इसके अवनमक में इधर गोला और एक इसके अवनमक में इस तरह से गोला। तो ये जो रिक्ति होगी वो कौन सी होगी भैया? आपकी अष्टफलकीय है। रिक्ति के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह से बना देते हैं इनको। इस तरह से ये अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इनके सेंटरों को आपस में मिलाएंगे तो आपका एक त्रिभुज बनता है नीचे की ओर, दूसरा त्रिभुज बन जाता है ऊपर की ओर। यहां पर देखें चतुष्फलक रिक्ति के अंतर्गत, तो ये चतुष्फलक रिक्ति भैया इस प्रकार की बनती है, जैसे दो गोलों के त्रिकोण और ये तीसरे गोले का त्रिकोण, और इनके ऊपर क्या है, एक गोला रखा हुआ है इस प्रकार से। ये कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। और अष्टफलक रिक्ति में क्या होता है, इधर देखिएगा ये गोला हो गए इस तरह से, ठीक है। अब इनके ऊपर ये गोले दो गोले ही रहे, इन गोलों को इस तरह से कर दीजिएगा, इस तरह से ये त्रिभुज दूसरा बन गया। यहाँ पर जो आप लोगों का ये खांच है वो बनता है भैया अष्टफलकीय रिक्ति। इस तरह से ये बन जाती है आप लोगों की अष्टफलकीय रिक्ति। तो त्रिविमीय जो क्रिस्टल जालक हैं वो दो प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, एक तो कहलाती है चतुष्फलक रिक्ति को ढकने से और एक कहलाता है अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने से। तो पहला है आप लोगों का भैया चतुष्फलकीय रिक्ति, या ऐसे छिद्र भी कह सकते हैं, छिद्र को ढकने पर से या ढकने पर। चतुष्फलक रिक्ति को ढकने पर, चतुष्फलक रिक्ति को इस प्रकार से रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरी परत के जो गोले होते हैं, ठीक है ना, तीसरी परत के गोले जो होते हैं वो ठीक इस प्रकार से पहली परत के गोलों को ढकते हैं कि पहली परत और तीसरी परत के गोले ठीक संरेखण में व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित हो जाते हैं और पहली परत के द्वारा ढके गए छिद्र जो होते हैं वही दूसरी परत के छिद्रों द्वारा ढके जाने चाहिए। तो इसके कारण जो पहली परत होगी वो भैया आपकी तीसरी परत के छिद्रों या तीसरी परत के समान व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस वाले को क्या बोला जाता है अपन का, इसके फलस्वरूप बनता है आप लोगों का षटकोणीय निबिड़ संकुलन या षटकोणीय क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं, HCP के नाम से जाना जाता है। यदि षटकोणीय परतों को एकांतर क्रम में इस प्रकार से रखते हैं कि पहली परत के द्वारा ढकी गई
रिक्ति, ढकी गई रिक्ति के समान। तीसरी परत के द्वारा ढकी गई रिक्ति भी समान प्रकार की, समान प्रकार से बनती है, समान प्रकार से बनती है। अर्थात पहली परत के समान बनती है, इसलिए इसका पैटर्न ए बी प्राप्त होता है। जिसके फलस्वरूप षटकोणीय, जिसके फलस्वरूप षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसे क्या बोलते हैं, HCP निविड़ संकुलन बनता है, जिसकी संकुलन क्षमता 74% एवं समन्वय संख्या 12 होती है। इसका डायग्राम इस तरह से बनाते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। ये हो गया भैया आप लोगों का पहली परत, और ये हो गया इसका इस तरह से, ठीक है। सेंटर से इसका खींचे इस तरह से, ये इसका हो जाएगा दो गोले, इन गोलों के ऊपर ठीक इस तरह से, ये आपका सेंटर में आ जाएगा, और ये इस तरह से 6 गोलों के संपर्क में। ये पहली परत के समान होना चाहिए, इसलिए इनको भी इस तरह से अपन प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। इसको ए माना है तो इसको बी, और इसको पुनः ए के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। इसका त्रिकोण, या इसको इस तरह से प्रदर्श कर सकते हैं, या इसका त्रिकोण कहाँ है भैया, नीचे की तरफ। ये क्या बन रहा है भैया आपका, हेक्सागोनल इस तरह से, और ये इसका कहाँ बन जाएगा त्रिभुज, नीचे की तरफ बन जाएगा। इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, एक अंतर्क्रम हो गया ए बी ए, ठीक है ना। अथवा इसको कैसे बना सकते हैं, या करके और बना दीजिए, ये हो गया इस तरह से बोला, अथवा या करके कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है।
इन दोनों को या करके इस तरह से बना दीजिएगा, वही बता रहे थे आप लोगों को। ये हो गए आप लोगों के बी परत, और इसके ऊपर आ गया ये गोला तीसरा। यहां अपन इसको बना देते हैं षटकोण के रूप में। दोनों एक जैसी हो जाएंगी, ठीक है, इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ऐसे बन गया ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल, और ये बन गया इस तरह से। छह गोले हो गए, कहने का मतलब ये हो गया इसको ए बी ए कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या बन जाएगा, जैसा कि अभी अपन बता रहे थे आप लोगों को, ये हो गए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए। इस तरह से कर दीजिएगा आप लोग, ये गोला एक यहाँ है, एक अभिकर्ण यहाँ है, इन गोलों को इस तरह से संपर्क में बना दीजिए, ऐसे ही इस गोले के संपर्क में बना दीजिए, ठीक है, ये आपके गोले बन गए आमने सामने खींच दीजिए इसको, ये छह गोले हो गए, इसके छह गोले, इसके छह गोले, ये त्रिभुज रह गया। आप इस त्रिभुज को या तो ऊपर की साइड में बना दीजिए, अदरवाइज नीचे की साइड में बना दीजिए, इस तरह से ये बन गया एच सी पी क्रिस्टल जालक। या तो इस साइड का बना लीजिए अथवा इस साइड का, ये हो गया षटकोणीय कोणीय निबिड संकुलन या क्रिस्टल जालक। षटकोणीय निबिड संकुलन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से चतुष्फल के रिक्ति को ढकने से ये परस्पर अपने को क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिसकी समन्वय संख्या 12 है और संकुलन दक्षता कितनी होती है, 74% होती है। दूसरा है भैया अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने से। अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने से, अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने से, तो इस अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने से क्या होता है भैया इसमें, कि तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि तीसरी परत का गोला अष्टफलकीय रिक्ति को पूर्णतया ढक ले और जो ना तो पहली एवं ना दूसरी परत के समान हो अर्थात एक नया विन्यास जिसे सी से दर्शाया जाता है, जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप एक नए क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसे क्या बोले भैया, फलक केंद्रित, क्या बोले, फलक केंद्रित घनीय संकुलन, फलक केंद्रित घनीय संकुलन या घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार का संकुलन एजी एयू आदि धातु क्रिस्टल में पाया जाता है। इसकी समन्वय संख्या 12 एवं संकुलन क्षमता 74% होती है। और इसका पैटर्न क्या बनेगा, ए बी सी होता है। इसकी संरचना कैसे बनेगी भैया आपकी, संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं, दो गोले एक तीसरा गोला गर्त में, अभी यही बताया था, इसी प्रकार से ये गोला और एक ये गोला, इसका पैटर्न उल्टा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और एक ये गोले तो बन जाएंगे। इस तरह से, या फिर कैसे है, त्रिभुज बना दीजिए, इसका त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा उल्टा और ये त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा, या कैसे बनाइए, इसको कहेंगे ए, जैसे ए बी और सी, या कैसे बनाएं, इसका एक गोला सीधा सीधा लीजिए, पहली परत मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये इसकी दूसरी परत ले लीजिए बीचों बीच गोले की षटकोण के रूप में, इनके ऊपर दो गोले इस तरह से लगाइए, इसके ऊपर एक गोला आ ही जाएगा तुम्हारा और इसके ऊपर एक गोला इस तरह से आ जाएगा, इसका उल्टा बना दीजिएगा। उल्टा बनाने से तात्पर्य है ये बीचों बीच ये इस तरह से हो गया, इसके ऊपर दो गोले बनाओ गर्त में ऐसे और इसके ऊपर एक गोला और एक गोला ये हो गया आपका बीचों बीच, इसको ए बी सी और ये हो गया दोबारा से ए, या इसको कैसे बना दे सीधा से,
ठीक है, एक गोला इसके, एक गोला यहाँ आ जाएगा, बाकी दो गोले इस तरह से आपके बन जाते हैं। ये हो गया आप लोगों का CCP क्रिस्टल अलग है, CCP कह दो या ऐसे FCC फलक केंद्र, तो घनीय संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, संरचना ये वाली दोनों सही अथवा ये वाली बनाइए, मुख्य रूप से ये वाली क्रिस्टल की संरचना होती है। ओके okay.